चाकगाड़ थाना क्षेत्र के आमिल कोनी गांव से एक युवती के साथ गैंगरेप करने का गंभीर आरोप वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल चाकघाट कस्बे के आमिल कोनी गांव की युवती ने चाकघाट थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है कि सफारी गाड़ी से उसे उठा लिया गया है और उस गाड़ी को करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर वो लोग ले गए हैं, जहाँ सुनसान इलाके में मेरे साथ दुष्कर्म किया है और युवती जैसे तैसे अपने घर वापस आई है, जिसके बाद उसने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। अपने आदमी बुलाने खाना खिलाने के लिए 8 बजे का टाइम था, वहाँ से सफेद गाड़ी आई उधर से चार घर तरफ से और वो रास्ते से हमसे पूछी कि कैसा का रास्ता किधर है। हम खड़े होकर उनको कैसा रास्ता बताया और बता के जो पीछे घूमे तभी हमें पकड़ के हमें बंद करके लेके चार घाट की तरफ वापस गए। फिर उसके बाद चार घाट से बाडा तरफ गए, मुझे पता नहीं क्या नशीली चीज़ थी पिला दी है। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता, इतना पता है कि दो लोग मेरे साथ गलत किए, तीसरे को मुझे याद नहीं है। फिर उसके बाद मारा भी और मार मार के ले आके फिर यहीं पर जहाँ से ले गए तो वहीं पर छोड़ दिए। ये कितने बजे की घटना है? ये 8 बजे ले गए, मुझे 11 बजे छोड़ा गया। 11 बजे छोड़ा गया। पुलिस आपकी क्या मदद कर रही है? हमने वापस आके अपने घर वाले से बताया तो वो 100 नंबर लगाया, तुरंत 100 नंबर आई। मेरी रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है, मेडिकल भी हो चुका है। देखिए, एक महिला है, इन्होंने रिपोर्ट किया है चाकघाट पुलिस स्टेशन हमारे यहाँ कि इनको कार में जो है कुछ लोग वहाँ पे रोक करके इनको ज़बरदस्ती बैठा लिया और बैठा करके नारी बारी जो यूपी में लगता है वहाँ ले जा करके इनके साथ तो लोगों ने रेप किया और फिर वापस ला करके अगले दिन जो है सुबह वापस घर के बाहर छोड़ दिया, इस तरह की इन्होंने रिपोर्ट की है। तो इसमें चाकघाट थाने में जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं उनमें FIR पुलिस ने रजिस्टर कर ली है और पुलिस सभी मामले की जो डिटेल है उसमें जाँच कर रही है। एक दो लोगों के नाम महिला ने बताए हैं जो उसने ओवर हियर किए हैं, सुने हैं आपस में बात करके। घटना में थोड़ी कुछ चीज़ें ज़रूर थोड़ी सी अलग सी हैं, जैसे कि वापस ला करके यहाँ पे छोड़ना और बड़े एक्टिव जगह है जहाँ से उनको जाना बता रही हैं वहाँ पे उस तरह से लेके चले जाना, बट सभी डिटेल्स पे पुलिस पूछताछ कर रही है। जो लोगों के नाम आए हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकल के आएंगी वैसी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।